गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स तक ख़त्म किया था। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 to a साइस स्टार पी एक्स स्क्वायर साई डी एक्स। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0 to a 2 by a साइन एन पाई एक्स बाई ए डॉट पी एक्स स्क्वायर। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू एच बाई 2 pi iota इंटू डी बाई डी एक्स। इस वाली एवरेज वैल्यू में हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। लास्ट वाली एवरेज वैल्यू में हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, यहाँ हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। h बाई 2 pi iota इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर √ 2 by a साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू √ 2 by a √ 2 by a इज इक्वल टू 2 by a। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा एच स्क्वायर बाय 4 pi iota² एंड आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटीग्रेशन 0 to a साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम डी बाय डी एक्स डॉट डी बाय डी एक्स लिख लेते हैं साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू डी एक्स। ठीक है, सो फर्दर इट विल बी दिस 2h² बाय आइटा स्क्वायर का -1 बन जाएगा और यहाँ पे आएगा 4 pi² a। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन 0 to a साइन n पाई एक्स बाय a। ठीक है, d बाय डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन n पाई एक्स बाय a का, तो हमारे पास क्या आएगा कोस n पाई एक्स। देखो यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन करना था ना इसमें, तो एक बार हम करेंगे तो इसका साइन का क्या आएगा कोस एन पाई एक्स बाय ए इंटू एन पाई बाय ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आएगा -h² बाय 2 pi² ए। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to a साइन एन पाई एक्स बाय ए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा कोस का करते हैं तो क्या आता है माइनस साइन साइन स्क्वायर, कोस का करेंगे तो साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू दोबारा से एन पाई बाय ए आ जाएगा। ठीक है, और पहले से एन पाई बाय ए यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो अब इसको बाहर ले जाएंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर बाय 2 pi² ए इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 0 to a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय ए इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2a³। ठीक है ना, तो ये हम एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to a 1 - cos 2nπx/a/2। ठीक है, इंटू डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2a³ इंटीग्रेशन 0 to a 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to a cos 2nπ/a इंटू एक्स बाय डी एक्स। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2a³। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2a³ इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स लिमिट सप्लाई 0 to a माइनस
अब कोस टू एन पाई बाई ए इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, साइन टू एन पाई बाई ए एक्स बाय टू एन पाई बाई ए, लिमिट्स अप्लाई फ्रॉम ज़ीरो टू ए। देन वी हैव एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय टू ए क्यूब ए माइनस ज़ीरो माइनस साइन टू एन पाई बाई ए इंटू ए बाय टू एन पाई बाई ए, माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन टू एन पाई बाई ए डिवाइडेड बाय टू एन पाई बाई ए इंटू ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय टू ए क्यूब इंटू ए, ए से ए कैंसिल, साइन टू एन पाई ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल बन जाएगा, ज़ीरो के इक्वल बन जाएगा इंटू ए। सो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू ए क्यूब इंटू ए, ठीक है। एक इसमें कुछ मिसिंग हो गया क्योंकि यहाँ पे फोर आना चाहिए था, वन बाय टू एक्स, यहाँ पे एक्स बाय टू आएगा, वन बाय टू डी एक्स है ना, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे एक्स यहाँ पे टू भी लिखना है, ए बाय टू, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। नाउ एज वी नो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एट एम ए स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको इसकी फॉर्म में लाने के लिए टू एम इंटू फोर ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2m को इधर ले जाएंगे तो 2me इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर अब किसके इक्वल आएगा, 2me के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ px स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये रिजल्ट भी आपको याद रखने पड़ेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ x का, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ x का जो हमने निकाला था रिजल्ट, वो क्या होता है, सारे देख लेते हैं हम यहाँ पे इकट्ठे। एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या थी, a बाय टू, एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या थी, a स्क्वायर बाय थ्री माइनस a स्क्वायर बाय टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या आई थी हमारे पास, ज़ीरो। एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर जो अभी निकाली है वो क्या आई है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। ये चारों वैल्यूज़ आप आगे एक और डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको काम आएंगी, सो लर्न इट, यू शुड नो हाउ टू डराइव इट बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू मतलब लर्न इट, ठीक है, क्योंकि आगे वाले डेरिवेशन में ये काम आएगी। नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हमें पता है एनर्जी का क्या वैल्यू होता है, एज वी नो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वी। एंड इनसाइड द बॉक्स वी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मोमेंटम की फॉर्म में लाना है हमने, ठीक है। तो m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे। अब मोमेंटम अगर पी एक्स की बात करें, कि x कॉम्पोनेंट की बात करें, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, सो दिस विल बी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम। और वैसे मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, एच बाय टू पाई आइटा इंटू डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ सब चीज़ उठ कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, h बाय
टू पाई आइटा इंटू डी बाई डी एक्स बाई टू एम. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई फोर पाई स्क्वेयर आइटा स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर बाई टू एम एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वेयर बाय एंड दैट इज इक्वल टू माइनस आइटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन. टू एम को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एच स्क्वेयर एट एम पाई स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर. तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू आई है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर की. तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे. क्या आई टोटल एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू? माइनस एच स्क्वेयर बाय एट माइनस एच स्क्वेयर बाय एट एम पाई स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर बाय एट एम पाई स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर. तो अब इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 टू ए साई स्टार ई के ऊपर कैप साई डी एक्स. इंटीग्रेशन 0 टू ए साई स्टार हमारे पास क्या होएगा? 2 बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू माइनस एच स्क्वेयर एट एम पाई स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू डी एक्स. ठीक है. सो नाउ वी हैव स्क्वेयर रूट 2 बाय ए स्क्वेयर रूट 2 बाय ए दैट इज इक्वल टू 2 बाय ए. इसको भी बाहर ले जाएंगे माइनस एच स्क्वेयर बाय एट एम पाई स्क्वेयर. इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाय ए इंटू डी एक्स. सो यूजिंग द सेम आइडेंटिटी अगेन साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस टू थीटा बाय टू. यूज दिस आइडेंटिटी हेयर. वी हैव टू से माइनस एच स्क्वेयर बाय फोर एम ए पाई स्क्वेयर. सॉरी यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते. पहले इसको इस फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे. साइन स्क्वेयर नहीं आएगा यहाँ पे. डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज नहीं होगी. साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू डी एक्स. ठीक है. ये कुछ इस तरह से होगा इंटीग्रेशन. मैं इसको फिर से लिख देती हूँ. साइन एन पाई एक्स बाय ए डी बाय डी एक्स इंटू डी बाय डी एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू डी एक्स. सो नाउ वी हैव माइनस एच स्क्वेयर बाय फोर एम ए पाई स्क्वेयर. इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए डी बाई डी एक्स. अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एन पाई एक्स बाई ए इंटू एन पाई बाई ए. अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस एच स्क्वेयर बाई फोर एम ए स्क्वेयर एम ए पाई स्क्वेयर. सॉरी इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन एन पाई एक्स बाय ए. इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे. कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन. सो माइनस साइन एन पाई एक्स बाय ए. ठीक है. तो यहाँ पे एन पाई बाय ए ऑलरेडी था, एक और एन पाई बाय ए आ जाएगा तो स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एच स्क्वेयर बाय 4 एम ए पाई स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर. इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाय ए इंटू डी एक्स. तो पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 4 एम ए क्यूब. नाउ साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस टू थीटा बाय टू. ठीक है. सो वी हैव 0 टू ए वन माइनस कोस टू एन पाई एक्स बाय ए बाय टू इंटू डी एक्स. ठीक है. सो नाउ वी हैव एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय फोर एम ए क्यूब
इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए कोस 2nπ बाई ए इंटू एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स. सो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 ए एम क्यूब एक्स बाय 2 ज़ीरो टू ए. नाउ कोस 2nπ एक्स बाय ए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2nπ बाय ए इंटू एक्स बाय 2 इंटू 2nπ बाय ए. लिमिट्स अप्लाई फ्रॉम 0 टू ए. ठीक है, अब देखो अगेन जब इसका हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे वी हैव एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 एम ए क्यूब इंटू ए बाय 2. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल कर देंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम ए स्क्वायर. सो दिस इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट एज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम ए स्क्वायर. ठीक है ना, नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्रूव हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिकली. टू प्रूव हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिकली. तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने ना इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया है डेल पी एक्स एंड डेल एक्स पे. ठीक है, तो पहले हम डेल एक्स के लिए करेंगे. डेल एक्स के लिए अगर हमें डेल एक्स निकालना है तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस है. एवरेज वैल्यू ऑफ ये तो एक्स स्क्वायर है और ये पहले एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स रखनी है और फिर उसका स्क्वायर करना है. तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर बाय 3 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. तो ये है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, ए स्क्वायर बाय 3 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स क्या थी, ए बाय 2, फिर उसका हमने क्या कर दिया था स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 12 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा, 1/12 माइनस 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट डेल पी एक्स ऑल्सो. सो डेल पी एक्स निकालेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू डेल एक्स. डेल पी एक्स इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स और फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, सो एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या थी,
ज़ीरो उसका स्केयर करेंगे, ठीक है। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दिस इज़ द पी एक्स स्केयर का एवरेज वैल्यू एंड दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड देन उसका स्केयर करना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर बाय फोर ए स्केयर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एन एच बाय टू ए। नाउ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर पाई, दिस इज हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हमें क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करना है, तो ये हमारा क्या है, टारगेट है, हमें आंसर पता है, बस हमें उसको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स, डेल एक्स कितना आया था, ये दैट इज ए स्क्वायर रूट 1 बाय 12 माइनस 1 बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू डेल पी एक्स एन एच बाय 2a, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है, इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, एन एच बाय 2 इसको 2n पाई से डिवाइड कर देंगे, 2n पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2n पाई से डिवाइड करेंगे, 2n पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये जो 2n पाई है स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। अंदर जाके हम इसको अंदर ले गए और अंदर जाके हमने इसको क्या कर दिया, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। सो nh बाय 2 nh बाय 2 इंटू 1 बाय 2n पाई स्क्वायर रूट के अंदर जाके हो जाएगा 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 12 माइनस 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे nh बाय 4n पाई स्क्वायर रूट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 2, ठीक है ना। अब जो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 3 है वो ऑब्वियसली जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है, तो ये जो पूरा वैल्यू होगा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, एन से एन कैंसिल, सो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई स्क्वायर रूट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 2। तो जब ये वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो ये पूरा वैल्यू एक ग्रेटर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स, अब ये पूरा वैल्यू भी ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। दिस नाउ दिस इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, जब h बाय 4 पाई से कुछ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो इनका प्रोडक्ट h बाय 4 पाई से या तो इक्वल आ सकता है या फिर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने पोजीशन किसी पार्टिकल की सर्टेनिटी से डिटरमाइन कर भी ली तो उसकी मोमेंटम को डिटरमाइन करने में एरर आएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब अगर मोमेंटम अच्छे से डिटरमाइन कर लिया सर्टेनिटी में तो उसकी पोजीशन में एरर आएगा, ठीक है। सो दे आर कॉन्जुकेट एंड कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर, ठीक है। सो दिस प्रूव्स द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं।